पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को 29 मई की देर शाम गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया था। जवान बेटे के अचानक हुई मौत ने सिद्धू मूसेवाला के माता पिता को तोड़ कर रख दिया था। अब मूसेवाला की मौत के महीने भर से ज़्यादा दिन बीत जाने के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने मूसेवाला की हत्या को लेकर बेहद हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। बलकौर सिंह ने बताया कि मूसेवाला की हत्या के लिए 60 से 80 लोग घूम रहे थे। चुनावों के दौरान भी मेरे बेटे की हत्या के लिए 8 बार कोशिश की गई थी। एक तरफ मेरे बेटे के जान के पीछे कई लोग पड़े थे तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की मान सरकार ने सिद्धू की सुरक्षा वापस ले ली। यही नहीं, सुरक्षा वापस लेने के बाद इसका ढिंढोरा भी खूब पीटा, जिसके बाद दो गैंगस्टर के बीच वर्चस्व की लड़ाई ने मेरे बेटे की जान ले ली, जिससे सिद्धू का कोई लेना देना भी नहीं था। इसके अलावा बलकौर सिंह ने यह भी बताया कि मेरे बेटे का नाम गैंगस्टरों के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि मेरा बेटा कोई गैंगस्टर नहीं था, ना ही उसका किसी गैंग के साथ कुछ लेना देना था। यही नहीं, मूसेवाला के पिता ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये बात झूठी निकले तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मूसेवाला के पिता ने उनकी हत्या का कारण उनकी पॉपुलैरिटी को बताया है। उनका कहना है कि मूसेवाला का दुनिया भर में नाम हो गया था और यही बात उसकी जान की दुश्मन बन गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर समानांतर सरकार चला रहे हैं। आज मेरे बेटे की हत्या हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है। कल को कोई ये कहकर किसी की हत्या कर सकता है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला ले लिया। बलकौर सिंह ने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान हमसे अमरिंदर राजा वडिंग ने पूछा था कि कैंपेन कैसा चल रहा है। इस पर मैंने कहा था कि हमें हार और जीत से बहुत मतलब नहीं है, हमारा बेटा जिंदा रहे यही बहुत है। लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आज इस दुनिया में नहीं है। लॉरेंस गैंग ने अकाली दल के नेता मिड्डू खेड़ा का बदला लेने के लिए सिद्धू को मौत के घाट उतार दिया और इस मौत से टूट चुके मूसेवाला के माता पिता इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।